अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मेरठ से अपनी पहली चुनावी रैली कर चुनावी जंग का शंखनाद कर दिया। अपने संबोधन में उन्होंने मोदी की गारंटी का कई बार जिक्र किया तो विपक्ष को भी खूब निशाने पर लिया। साफ कहा कि वे भ्रष्टाचारियों को किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ेंगे। पीएम ने कहा कि आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही है। इन बेईमानों ने जो धन लूटा है वो गरीबों को लौटाऊंगा। नरेंद्र मोदी ने किसान व जाटों की नब्ज पर हाथ रखते हुए चौधरी चरण सिंह को भी खूब याद किया। इससे पहले रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने भी कह दिया था कि यदि मोदी न होते तो चौधरी चरण सिंह को कभी भारत रत्न भी नहीं मिलता। मंच पर लगे बैनर पर भी मोदी व चौधरी चरण सिंह का फोटो लगा था। रैली को नाम दिया गया था गौरव समारोह। 5 लोकसभा सीटों मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर और बागपत की इस रैली का असर चुनाव पर क्या पड़ेगा, इसकी समीक्षा शुरू हो गई है। firstbite.tv की टीम ने इन पलों को अपने कैमरे में कुछ इस तरह से कैद किया, आप भी देखिए। जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए लगा
जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में आए, फैसला आपको करना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, कई लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन भी बना लिया। इनको लगता है कि मोदी से डर इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट इन। नमस्कार।